नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बकरा ईद के आज से ठीक 4 दिन बचे हैं और बकरा ईद को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान दिया है कि बकरा ईद मनाई जाए, पूरे सौहार्द के साथ मनाई जाए। और जिस तरीके से हर साल बकरा ईद को उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है कि कहीं भी वेस्टेज को ऐसी जगह सार्वजनिक जगह ना फेंका जाए और किसी भी ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जो सार्वजनिक जगह हो, उसी को लेकर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कहेंगे, बकरा ईद 17 तारीख को आने वाली है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं ऐसी जगह कुर्बानी ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, हमारा धर्म ही कहता है कोई भी न कहे, जब भी इस बात को किसी आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ खाते पीते हो तो पर्दे के साथ करो, करना कोई मना नहीं है। और हमेशा जो याद रखो, किसी को अगर तकलीफ हुई तो तुम्हें पहले पर तकलीफ होगी, समझे ना। हमारा धर्म ये कहता है किसी को तकलीफ ना हो, छोटा हो बड़ा हो, समझे ना। ये वो नहीं है कि मतलब जो हम दुनिया को परेशान करें और हम मजे लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये खुदा की कुदरत है, हमारे धर्म में ये आता है। पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि किसी को जो है तकलीफ मत पहुंचाओ, अगर तुम तकलीफ़ पहुंचाते हो तो मुझे तकलीफ़ पहुंचाते हो, ठीक है ना। और खुदा की कुदरत का निजाम जो है, मरना जीना और पैदा होना, सब ये खुदा की कुदरत है, कुछ नहीं रोक सकता, समझे ना। तो हमने अपने ज़माने के दौर में देखा, उस वक्त जो है मियाँ का ऑपरेशन यानी नसबंदी के दौर में हमने देखा, भाई कहने वो नहीं, वो 2 बच्चे से ज़्यादा ना होंगे, यूँ नहीं। हमका खुदा की कुदरत है, ये कोई नहीं रोक सकता। और हमारे यहाँ एक लेडी ने करवाया ऑपरेशन, करवाने के बाद उसके बाद में 2 बच्चे हुए, उन्हें केस किया, भाई क्यों हुए मेरे, जब मैंने ऑपरेशन करवाया क्यों हुआ। तो ये खुदा की कुदरत, जितना पैदा करना है वो पैदा करके दिखाएगा। अच्छा जी हाँ, यानी आप मान तो बच्चे भी उपना लेके दे रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है भाई साहब। ये तो ये चल गई, अब तो रोकने की बड़े मियां ना, अरे रोकने से क्या, देखो खुदा की कुदरत एक है, वो सारा लगा खत्म में पड़ गया। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं धरती नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इनसे जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ये हमारे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, जो भगवान खुदा गॉड, ये महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कुछ नहीं। देखो पहले वक्त था जो खेतों में कितना 2-4 मन पैदा होता था, अब पता है कितना पैदा होता, 40 मन 50 मन। तो जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी अल्लाह पाक को बढ़ा रहा है। अच्छा जी हाँ, यानी आप ईद मनाओगे सौहार्द के साथ, और क्या मनाने दे रहे हो, कहीं गलत जगह कोई नमाज नहीं पड़ेगी? ना, कहीं नमाज नहीं पड़ेगा बाहर, और पर्दे के साथ जो कुर्बानियाँ करना है तो पर्दे के साथ करेगा, पर्दे के साथ कुर्बानी हो। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी सुनिश्चित किया है कि पर्दे के साथ कुर्बानी हो। नहीं, आपका क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताओ। नाम तो मेरा अकबर है, अकबर है। अकबर भाई, क्या कहेंगे, ईद आएगी 17 तारीख को, आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे कि भाई गलत जगह कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी? देखो ये बात सही है कि गलत जगह नहीं होनी चाहिए, हाँ पर्दे में ही होनी चाहिए, पर्दे में। सुनिश्चित करेंगे इस बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। हर साल आप लोग मनाते हैं इस साल भी? हम सुरक्षित करते हैं और सुरक्षित औरों को सलाह दे देते हैं, औरों को भी यही सलाह देते हैं, यही सलाह देते हैं कि जो कबाड़ा है उसका हिसाब से फेंको, गाड़ी में फेंको, हिसाब से रखो, हिसाब से डालना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने भी यही कहा कि सुनिश्चित किया जाए अधिकारियों द्वारा और आम जनता द्वारा। जनता द्वारा ये बात सही है, सही है। सहमत है उनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि कुर्बानी हो और कुर्बानी को लेकर कहीं ना कहीं जो स्वार्थपूर्ण तरीके से, आपका क्या नाम है? शमीम अहमद। शमीम जी, शमीम भाई, बकरा ईद पर आप लोग क्या आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि भाई कुर्बानी हो, ऐसी जगह ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो, खुले में कुर्बानी ना हो, सड़कों पर नमाज ना हो। व्यवस्था बना के रखें सभी भाई, और अपना ठीक ठाक अपना कुर्बानी करके गंध को अपना साफ रखें, यही हमारा कहना है। सभी लोगों कहते हैं कि सही तरीके से सही करके काम होना चाहिए, और सभी भाइयों से निवेदन रही है कि बढ़िया करके अपना काम करें, अपनी सफाई सफाई के साथ काम करें और अपना त्यौहार मनाएं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, अपना त्यौहार मनाओ, दूसरे को तकलीफ आप हमें भी ना हो, सामने वाले को भी ना हो कोई तकलीफ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता से हम लगातार बात करते हैं बकरा ईद से पहले। आपका क्या नाम है सर? शौकीन नाम है जी मेरा। शौकीन? अच्छा शौकीन, ये बताइए, आप लोग भी तो ईद मनाते होंगे? हाँ मनाते हैं, क्यों नहीं। इस बार भी एक नया फरमान आया है मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से कि भाई सौहार्दपूर्ण ईद मनाई जाए, किसी भी तरीके से ऐसी जगह पर ईद की कुर्बानी ना दी जाए जानवर की जहाँ पर किसी को तकलीफ हो, खुले में तकलीफ ना हो किसी के ताई, ऐसी अच्छी। सहमत है उनकी बात से? हाँ सर, मानेंगे इस चीज़ को? हाँ मानेंगे, हमने सही सलामत मनाई जाए ईद, ये ना झगड़ा पंगे नहीं हो, सही सलामत ईद मनाई जाए। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार।
नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम फकरे आलम है। फकरे आलम जी, अच्छा सर ये बताइए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जैसे ईद उत्तर प्रदेश में हर साल मनती है इसी तरीके से ईद मनाई जाए, कोई बाहर कुर्बानी ना हो, गलत जगह कुर्बानी ना हो, वेस्टेज जो बचे उसको सुनिश्चित करें नगर पालिका नगर निगम के अधिकारी और खासकर जनता भी उसको सुनिश्चित करें, नालियों में ना फेंके। नहीं ये बात सही है कि जो भी काम हो किसी से हमसे किसी की तकलीफ ना हो, कुर्बानी हो सही जगह उसका जो गार्बेज हो सही जगह पहुंचाया जाए। अगर नगर निगम नहीं आता तो कोशिश हो कि अपने से किसी को दो चार दस रुपया दे के चाहे अपनी निगरानी में उसको सही जगह पहुंचाया जाए, हमसे किसी की तकलीफ ना हो। और सहमत है सरकार? सहमत है सरकार से, बिल्कुल सहमत है सर। यानी आप भी संदेश दे रहे हैं कि कम से कम अच्छी चीज़ होगी? अच्छी चीज़ होगी, मगर जो भी गार्बेज है ना अगर नगर निगम नहीं पहुंचती है तो अपने किसी से पकड़ के उसको सही जगह पहुंचे, किसी का तकलीफ ना उससे, खुले में ना फेंका जाए। खुले में ना फेंका जाए। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद रईस। हाँ जी। अच्छा रईस, आप भी इस बात से सहमत हैं कि भाई कुर्बानी हो, ईद बने सौहार्दपूर्ण तरीके से बने, क्योंकि ये बकरा ईद है तो थोड़ा सा इस पर ऐसा होता है कि भाई नालियों में कुछ गंदगी ना जाए? नहीं बिल्कुल सहमत है इस बात से, बिल्कुल जितना अच्छा हो किसी को भी परेशानी नहीं हो त्यौहार पर, ये अच्छी बात है। बिल्कुल गंदगी फैलाना वहाँ बेवकूफ़ी है, बिल्कुल साफ सुथरा त्यौहार अपना हिसाब से मनाएं, कचरा ना करें जितनी भी अच्छा हो। कई मजबूरी हैं गली में हो जाती हैं तो उसे भी वहाँ पे भी रोक के कचरे को अपना पर्दा डाल के करना चाहिए। बिल्कुल आज इस पे जगह नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं है तो वो अपना कर देता है, लेकिन उसको भी वेस्टेज को वेस्टेज करके पर्दा डाल के वहाँ कर दे, किसी इंसान को परेशानी नहीं होती उसके सामने। बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस बार भी ईद 17 जून को मनाई जाएगी, पूरे देश में मनाई जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फरमान आदेश आया है उस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? साहिद। आपके यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, आपकी पुरानी दुकान है चाय की, ईद पर आप क्या संदेश देंगे? ईद पर क्या साफ़ सफाई होनी चाहिए, अदब से होना चाहिए काम, साफ सफाई के साथ। हाँ लेकिन ये बड़ी बात है कि साफ सफाई के साथ ईद मनाई जाएगी और उसको लेकर लगातार जो आम जनता है वो भी सुनिश्चित कर रही है। इधर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ईद के त्यौहार पर अब की बार किस तरीके से ये लोग देखते हैं। इधर बात करेंगे, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हर साल ईद मनाते हैं जी। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, ठीक है आप? इसमें बैठिए सर। अरे मैं बैठा हूँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इदरीस खान है सर। इदरीस खान जी। अच्छा ये बताइए, ईद है 17 तारीख को और ईद के पर्व पे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि ईद मनाइए, अच्छे से मनाइए, लेकिन ऐसे ईद ना मनाए कि किसी दूसरे को तकलीफ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई, फिर हमारा आपका भाईचारा ही क्या रहा है? नहीं ये है, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। लड़कों पर नमाज तो नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। कहा गया है शिफ्ट में नमाज हो, मस्जिद में नमाज हो, लड़के जाम ना हो। मस्जिद में तो हमेशा हो रही है, अब हो रही है। हाँ इस बार भी मस्जिद में होगी। हाँ बड़े भैया, हाँ मोबाइल देख लो, क्या ढूंढ रहे हो उसमें? क्या ढूंढना है, कौन सी खबर ढूंढ रहे हो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा। क्या नाम है आपका? हाँ जाबर है। जाबर। अच्छा ये बताइए ईद मनाई जाएगी, क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? अरे ईद तो मनाई जाएगी, बम का बात क्या है? संदेश क्या था? अपने हिसाब से मनाई जाए, जब भी मनाई जाए जब भी मनाई जाए, बच्चों बातें खत्म हुई, तो जब नमाज पढ़ी जाती थोड़े में बता आ रही है बात, तो खत्म हुई। सड़कों पर नहीं, अंदर मस्जिद में पढ़ेंगे और क्या? अच्छा, और कोई वेस्टेज बाहर नहीं फेंकोगे ना? कहाँ? कोई जो बचता है कचरा वो सब सही जगह पे? अरे यार सफाई सुधराई तो अपनी जगह कहो ना, हमका बा में ईद में ना हो बैठे घरे ना, तो सफाई सुधराई तो रही, सफाई होनी चाहिए। हाँ आपका क्या नाम है? नूर आलम। आप क्या कहेंगे, आप तो युवा हैं, ईद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा सौहार्दपूर्ण ईद बने और कहीं ऐसी कचरा गंदगी ना हो जिससे कि आम जनता को तकलीफ हो, सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी ना हो। सही बात है, एकदम सफाई रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, सही कहा हमने। तो ये आप लोग भी सुनिश्चित करेंगे इस बात को? बिल्कुल। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार हर बार रूबरू होते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, और इस बार भी जो ईद का त्यौहार
आने वाला है, बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है 17 जून को, उसको लेकर एक फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी हुआ है। उसके बाद आम जनता की क्या राय है बकरा ईद को लेकर, वो किस तरीके से अपनी तैयारियां करेंगी, वेस्टेज को किस तरीके से फेंका जाएगा, उसको हटाया जाएगा, गंदगी ना हो इसको लेकर भी आम जनता ने अपनी राय रखी, और कहीं भी सड़कों पर नवाज ना हो इसको लेकर खासकर जो आम नागरिक है वो जागरूक है, और किसी भी तरीके से बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज बचता है उसको नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर उसको सही जगह पर निष्क्रिय किया जाए, उसको लेकर भी आम जनता ने अपनी राय रखी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।